वाले हैं हिंदी की पहली पद्य, हिंदी का पहला पद्य जो त्योहारों के ऊपर आधारित है। भारत में त्योहारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम देखते हैं साल भर में कितने सारे त्योहार आते हैं, और जब त्योहार आते हैं तब तब हमारे चेहरे पर कितनी खुशियां होती हैं, है ना, खुशियां होती है ना। तो आज हम इन्हीं त्योहारों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं इस पत्र के द्वारा, जिसका नाम है मेलों की विधा। इसके कवि हैं डॉक्टर जयनारायण कौशिक। देखो इस कविता के द्वारा जयनारायण कौशिक जी कहना चाहते हैं कि भारत मेलों और त्योहारों का देश है। सभी भारतवासी मिलजुल कर मेलों और त्योहारों में भाग लेते हैं, इससे एकता और मेलजोल की भावना बढ़ती है। इन त्योहारों में बहुत सारे त्योहार होने के कारण इस त्योहारों में हिस्सा जो लेते हैं उसके अंदर एकता की भावना दिखाई देती है। इस कविता के द्वारा हम वो त्योहार कौन कौन से हैं और किस तरह से मनाते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले। तो पहले मैं ये कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण देखा जाएगा। तो नाच उठा धरती का कंकण, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल उत्सव लगे ढमकने, मेलों की विधा ही आई। आज सजे की हाट दुकाने जोड़ता है मीना भाई, गुड़िया मोड़कर कंठी माला, बिंदिया चोली मंचाही। पोंगल मकर मनाने को फोफटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। गौ शीतला भोजन को गलिया गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। होली की पिचकारी में देखो स्नेह भरा है रंग गुलाब, आपस में घुल मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। इस कविता का जो इतना वाचन किया है उतना ही स्पष्टीकरण अभी हम देखेंगे। कविता का अगला हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। पहला देखो, नाच उठा धरती का कणकण, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की मेला ही आई। मेला का मतलब है समय, मेला का मतलब है समय। देखो दोस्तों, जब त्योहार होते हैं तभी मेला लगता है, और मेला जब लगता है तब उसमें जाने के लिए सब जाने के लिए इतने उतावले होते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सब उसमें जाने के लिए उतावले रहते हैं। उनको लगता है कब हम मेलों में जाए, कब हम मेलों में जाए, ऐसे उनको लगता है। तब धरती का कण कण नाचने लगता है, गाने लगता है, बस्ती बस्ती रौनक छाई, सब बस्ती में ऐसी रौनक छाती है, सभी तरफ रोशनाई दिखाई देती है, सब अपने बस्ती को रोशनाई से चमकाने लगते हैं, और सभी के चेहरे पर खुशियां होती हैं जब मेलों का समय आता है तब। तो ऐसा इसका अर्थ बताया गया है कि नाच उठा धरती का कणकण, बस्ती बस्ती रौनक छाई। धरती मतलब प्रत्येक कण, हर एक के चेहरे पर इतनी खुशी छाई है कि वो खुशियां देखकर ही हमें लगता है कि अभी बस्ती जो बस्ती है वो पूरी रौनक छाई हुई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी नाचने गाने लगे हैं, और एक हुआ है मेलों के समय ही होता है। जब मेला आता है, मेला लगता है, तभी इस तरह की खुशी सभी के चेहरे पर छाई रहती है। आज सजे की हाट दुकाने जोरदार है नीला भाई, बुढ़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मंचाई। ऐसे मेलों में जब मेला लगता है तो बहुत प्रकार की वहां पर दुकानें लगी हुई होती हैं। वहां पर हाट यानी बाजार, हाट का मतलब है बाजार, वहां बाजार बसता है, सभी चीजें वहां पर हमें मिलती हैं। जो
पोंगल और मकर, ये दो त्योहार हैं। किसान, ये किसानों के त्योहार है, समझ ले, किसानों के त्योहार। पोंगल ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है और मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। किसान लोग जब उनके खेती के काम पूरे होते हैं तब ये त्योहार मनाते हैं। देखो पोंगल मकर मनाने को फटते ही उठ जाते हैं। फटना यानी क्या? फटना यानी सूर्य निकलने से पहले का समय, सूर्य जब निकलता है उसके पहले का समय यानी फटना, मतलब बहुत सुबह बहुत पहले। देखो फटना का मतलब क्या है? सूर्य निकलने से पहले का समय। इतनी खुशी होती है उनके उनके मन में कि कब सुबह हो जाए और कब हम उठकर अपने घर को सजाए, यह त्योहार मनाने के लिए कब हम अपने घर की तैयारी करें। तो ये बहुत तैयारी करने के लिए, घर सजाने के लिए सुबह जल्दी उठकर खीर चूरमा खा खा कर भैरों की दौड़ कराते हैं। और ऐसे में अपने सभी घर घर वालों के लिए वो अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, खीर चूरमा ऐसे मिष्ठान तैयार करके वह खाते हैं। और इस त्योहार में बैलों की दौड़ लगाई जाती है, प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं और इस प्रतियोगिताओं में बैलों की दौड़ लगाई जाती है। इसमें किसान लोग अपने बैलों को ले जाकर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। देखो कितनी बड़ी खुशियां उनके जीवन में आती है। पोंगल मकर मनाने को और फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। गौर शीतला भोजन को गलिया गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुलनिया पोंगल में ही मुस्काई। जब गौर शीतला भोजन स्त्रियों का ये त्योहार है, स्त्रियां क्या करती हैं? गौरी की पूजा करती हैं, जो गणेश जी की माता है उनकी पूजा करती हैं, गौरी की पूजा की जाती है। और ऐसे में गलियों गलियों में गीत सुनाई देते हैं, गौरी के गीत सुनाई देती हैं। तब ये जो सजा हुआ रूप, जब उनका छोटा बबुआ देख दुल्हनिया, जब छोटा बबुआ या क्या कोई कुछ जैसा बच्चा जब इनको देखता है, एक बच्चा जब इनको देखता है कि ये सजती सवरती है, तब घूंघट में ही ये मुस्कुराती है। साड़ी के पदर के अंदर घूंघट यानी क्या? साड़ी का पदर, साड़ी का पदर, तो इसके अंदर यह मुस्कुराती है, शर्माती है अपना लोग दूसरों को दिखाने से। होली की पिचकारी में देखो, होली की पिचकारी में देखो, स्नेह भरा है रंग गुलाब, आपस में घुल मिल जाते हैं, ऊंच नीच का भेद भुला। होली बहुत बड़ा त्योहार हमारे भारत में मनाया जाता है, इसके लिए पिचकारी में रंग भर दिया जाता है। पता है आपको, पिचकारी में रंग भर के एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तब उस पिचकारी में एक ही रंग होता है क्या? नहीं, बहुत सारे रंग होते हैं और ये रंग एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं कि कौन सा रंग किसमें मिला है ये समझ में ही नहीं आता। उसी तरह ऊंच नीच का भेद लगाकर गरीब अमीर सब एक इकट्ठा आकर जब ये होली का रंग होली खेलते हैं, तब एक दूसरे के बीच का जो भेद है वो भी भूल जाते हैं, एक दूसरे के बीच के जो झगड़े हैं वो भूल कर वो इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि होली की पिचकारी में देखो, स्नेह भरा है रंग भरा, स्नेह का मतलब है प्रेम, स्नेह का मतलब है प्रेम। तो स्नेह भरा है रंग भरा, आपस में घुल मिल जाते हैं, ऊंच नीच का भेद भुला। इकट्ठा आकर सारे लोग इकट्ठा आकर अपने बीच का जो ऊंच नीच का भेद है वो भुला कर इस त्योहार को मनाते हैं। इस तरह यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखा है। एक कविता फिर से एक बार पढ़ता हूँ। नाच उठा धरती का कण कण, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल वृद्ध सब लगे ढुमकने, मेलों की विदाई आई। आज सजे की हाट दुकानें, जो चाहे दीना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला,
बीवियां जोड़ी बन जानी पोंगल मकर मनाने को रोफटते ही उठ जाते खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते गौर शीतला भोजन को गलिया गीतों से गुंजाई छोटा बबुआ देख दुलनिया घूंघट में ही मुस्काई होली की पिचकारी में देखो स्नेह भरा है रंग बुरा आपस में घुल मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भरा। यहाँ पर यह कविता इस कविता का स्पष्टीकरण हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे का स्पष्टीकरण हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।